नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। संपूर्ण इतिहास सार मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री जीके समरी की सीरीज़ हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, जिसमें ये पहला वीडियो है। इस सीरीज़ में हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। ये नोट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये हमारी वेबसाइट www.studyforcivilservices.com पर उपलब्ध हैं। यदि आप ये पढ़ना चाहते हैं तो जाइए हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, ज्वाइन कर लीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल, जिसपे समय समय पर इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपके लिए आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है अपना प्राचीन भारत का इतिहास, क्योंकि क्रम भी यही है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास की यदि हम बात करें तो जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, देखिए एक एक चीज को यहां पे समझते हुए चलेंगे कि वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, कोई भी सबूत नहीं मिलता लिखा हुआ, उसे कहते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल कहेंगे जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिपि लिखी हुई मिली है, लिपि के साक्ष्य हैं। ठीक है, मतलब लिखा हुआ तो मिला है लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते, तो वो है आद्य ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में लिखे हुए साक्ष्य नहीं मिलते, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखे हुए साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उन्हें पढ़ने में सफलता हासिल नहीं हुई, या फिर कह सकते हैं उस लिपि से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। अब जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। काल की वह शुरुआत जिसमें लिखित विवरण उपलब्ध होते हैं और वो पढ़े भी गए हैं, तो वो क्या है, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है, जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है या माना जाता है। तो देखिए, ऐतिहासिक काल का आरंभ यदि पूछा जाता है तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है, जबकि सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक काल था उसमें पाषाणकालीन सभ्यता हुई, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता हुई। वहीं ऐतिहासिक काल का जब आरंभ हुआ तो वो समय था छठी शताब्दी ईसा पूर्व। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान शुरू हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में हमने यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में समझा है। आपने इनको पहले भी कहीं पढ़ा होगा, तो ये नोट्स बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए गए हैं, आप इन्हें जरूर रीड आउट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को तीन मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर, जिसमें पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा हो जाता है नवपाषाण काल। ठीक है, दूसरा देखिए, उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को भी तीन कालों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें पूर्व पाषाण काल और दूसरा हो गया मध्यपुरा पाषाण काल और तीसरा हो गया उच्चपुरा पाषाण काल। तो ठीक है, इसमें देखिए उपकरणों की बात की गई है तो हस्त कुठार खंदक विदारणी ये पूर्व पुरापाषाण काल का उपकरण है, वहीं फलक उपकरण ये मध्यपुरा पाषाण काल का उपकरण है और तक्षिणी और खुरचनी उपकरण जो है ये उच्चपुरा पाषाण काल के उपकरण है। सबसे पहले पंजाब की सोहन नदी घाटी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, से चौपर चौपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे। हर एक लाइन में यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो ध्यान से सुनते और देखते जाइए। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमुद्रे तथा अतिरपक्कम से हैंड एक संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश बुक वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ये ब्रिटिश वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडएक्स प्राप्त किया था। नेक्स्ट देखिए,
उनके मित्र किंग ने अतिरम्पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 की बात करें तो इसमें डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए थे। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी आर शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। ये देखिए कहां कहां पर किसके निर्देशन में अनुसंधान हुआ, वो यहां पे दे रखा है। पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहां 44 पुरास्थल प्राप्त हुए। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोंदा नाला क्षेत्र में इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा भी मिली है, जो संक्रांति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं, फलकों की अधिकता के कारण। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। कैसा था पुरापाषाण कालीन जीवन में, यदि मानव का जीवन पूछा जाए तो कैसा था, पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर था, प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंद मूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण मांस कच्चा ही खाते थे पुरापाषाण काल में। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान भी नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब सी एल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले थे। तो सबसे पहले भारत में मध्य पाषाण काल के विषय की जानकारी पूछी जाए तो कब हुई, 1867 यानी 1867 में, जब सी एल कार्लाइल ने विंध्यन क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सबसे पहले मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन मेहदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। तो देखिए ये छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं कई बार, मुश्किल नहीं होते लेकिन फिर भी हमें ध्यान में नहीं रहते, तो वो यहाँ पे बिल्कुल समाहित किए गए हैं कि मध्य पाषाण कालीन मेहदहा जो क्षेत्र था प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, वहाँ पर हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा ने मेहदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित क्षेत्र निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श मेहदहा, सराय नाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरणों एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख करती है। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर जयश नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक है पुरातत्व विमर्श। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए। इन शवाधान में से 5 शवाधान युग्म शवाधान है और 1 शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें यानी समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाण लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत यानी बिल्कुल
खत्म हो चुके हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन और लुकॉस के अनुसार लेखाइया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इसको डार्क शेड में भी कर रखा है कि पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़ के, खाद्य वस्त्रों को इकट्ठा करके, संग्रह करके अपना पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेट का प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में यहीं से चित्रकारी की युक्त सर्वाधिक 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। यूनेस्को ने भीमबेट का शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखने का है। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ। पाषाण काल भी तीन भागों में बटे थे, जिसमें हम ये तीसरे भाग का अध्ययन कर रहे हैं कि नवपाषाण काल में सर्वप्रथम खाद्यान्न उत्पादन प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई, यानी शुरुआत हुई गेहूं की कृषि की। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईस्वी से 8000 ईस्वी पूर्व मगध के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा इलाहाबाद जिले में बेल्ला नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर 6500 ईसा पूर्व वर्ष के चावल की भूसी के साथ यानी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये साथ नहीं, साक्ष्य मिले हैं। चीन यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया और बाजरा 5500 ईसा पूर्व चीन में और सोरगम 5000 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका में, जबकि राई 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी पूर्व एशिया में तथा 2300 ईसा पूर्व यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया था। तो यहाँ पे देखिए, खेती के जो साक्ष्य हैं, विभिन्न फसलों के जो साक्ष्य हैं, कहाँ कहाँ पर सबसे पहले उगाए गए थे, जहाँ पर उसके साक्ष्य मिले हैं, उसका भी वर्णन यहाँ पे अच्छे से किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर मेहरगढ़ में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। मानव कंकाल के साक्ष्य कुत्ते का कंकाल, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में है वहाँ से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुफ कराल कश्मीर में स्थित नवपाषाण स्थल है। गुफ कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुमार की गुहा या गुफा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरौंद जो है ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चिरौंद से। बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसके बाद सर्वाधिक मात्रा में नवपाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं चिरौंद से। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत से मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण कालीन स्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पीकली हल में भी राख के टीले मिले हैं। यह राख के टीले नवपाषाण युग में पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस प्रश्न को, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि आग का उपयोग कौन से काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, तो वो थी नवपाषाण काल।
नेक्स्ट देखिए, धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था। सबसे पहले प्रयोग में जो धातु आई वो तांबा थी। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरण का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति यानी कैल्कोलिथिक कहा जाता है। कैल्कोलिथिक या ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है क्योंकि इसमें पत्थर और तांबे के उपकरण का साथ साथ प्रयोग किया गया। ताम्रपाषाणिक का अर्थ होता है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में दो स्थलों की खुदाई हुई है, ये है आहाड़ एवं गिलुंड। यह पुरास्थल बनास नदी की घाटी में स्थित है, यानी बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दो स्थलों की खुदाई हुई, आहाड़ और गिलुंड, ये दोनों पुरास्थल बनास घाटी में स्थित हैं। इसी कारण इसे बनास संस्कृति भी कहकर पुकारा जाता है। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबे की जगह है। यहाँ के मकान पत्थर की चार दीवारी से घिरे मिले हैं। आहाड़ के पास गिलुंड में मिट्टी की इमारत बनी है, पर कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हुई हैं। गिलुंड में तांबे के टुकड़े मिलते हैं। गिलुंड में क्या मिलते हैं? तांबे के टुकड़े। आहाड़ संस्कृति अन्य ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों पर लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहीं यहां पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग की चित्रकारी भी की गई है। कहां पर? आहाड़ संस्कृति में। और ये आहाड़ संस्कृति अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से इस विशेषता के कारण भिन्न प्रतीत होती है। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन और नवदा टोली प्रमुख स्थल है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो इंदौर के निकट में स्थित है। इसका उत्खनन HD साकलिया ने कराया था, जहां से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ की मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। नेक्स्ट देखिए, कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति के कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांड में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण हैं, साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी देखा जाता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृद भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मालवा संस्कृति किस लिए जानी जाती है? मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तनों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गाँव की बस्तियाँ किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक। यह सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 4000 लोग यहाँ पे रह सकते थे। नेवासा जो कि जोरवे संस्कृति स्थल है, से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति यानी जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में घरों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, यहाँ पर घरों में ही मृतकों के अस्थि कलश में रखकर दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था में इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। बाद की अवस्था यानी 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक कैसा है? वृत्ताकार। इनाम गांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से गिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्राय केंद्र स्थल में रहता था। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरौंद के अलावा बर्दवान जिले के पांडू, राजार डिबी और पश्चिमी बंगाल के वीरभूमि
जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल हैं। कुछ अन्य स्थल जहां खुदाई हुई वे हैं बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोंटी वाले जलपात्र, गोडीदार तश्तरियाँ और गोडीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र को अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालते और खेती करते थे। वे गाय, भेड़ बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। ऊंट के भी अवशेष मिले हैं। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की खेती भी करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्पकर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएँ भी बनाते थे। वे लोग कटाई और बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुम्हार यानी कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है इनाम गांव में, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा से मिलती है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली की बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएँ यह सूचित करती हैं कि वृषभ यानी सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदोली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गले में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, ये साक्ष्य मिले हैं खुदाई में। जबकि अन्य बच्चों की कब्रों के सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में रखा जाता था। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान प्रचलित था, यानी शव को पूरी तरह दफनाया जाता था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 420 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसी स्थान से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे के स्थानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मागिरी, पिकलीहल, सगलकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाह संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंगम को पुरातत्व संरक्षण के रूप में नियुक्त किया गया, सर्वेक्षक के रूप में। 1871 ईस्वी में पुरातत्व संरक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। ये प्रश्न सारे महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1902 में इसे भारतीय पुरातत्व संरक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए महत्वपूर्ण तथ्य। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिया के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। दूसरा, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, काश्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन 1820 ईस्वी में पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। मध्य पाषाण के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन मैदहा जो स्थान है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं।
जी आर शर्मा मैदहा में तीन क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र तथा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके, उसी का ये महत्वपूर्ण बिंदुओं का रिवीजन दिया गया है। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में सराय नाहर राय, मैदहा तथा दमदमा का उल्लेख उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्ष तक किया गया उत्खनन, इसके परिणाम में पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवादान ज्ञात हुए। इन शवादानों में से 5 शवादान युग्म शवादान है और 1 शवादान 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवादानों में 1-1 कंकाल प्राप्त हुआ है। खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ, अभी हमने देखा था। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ, यानी कृषि के काम से परिचित हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश में पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज 1892 में की गई थी। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया, जिसमें देखिए जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई है। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले जौ 8000 ईसा पूर्व में निकट पूर्व में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूँ मानव द्वारा उगाया जाने लगा। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य स्थल कोल्डी हवा इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा माना जाता है। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक को सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली जो मध्य प्रदेश में है, इसका उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर H.D. साकलिया ने करवाया। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के बीच निर्धारित की गई है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, वृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से भी जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डॉलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराए मेहर। ये वृहद पाषाण स्मारक मृतकों की समाधियाँ थी। कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संकल कल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल इस पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। संकल कल्लून नामक नवपाषाणकालीन स्थल जो कि कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेट का प्रागैतिहासिक काल शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिसमें हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें 243 भीमबेट का समूह में तथा 178 लाखा जुआर समूह में स्थित हैं। मध्य प्रदेश के पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका से चित्रकारी से युक्त 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है, जिसे अपने अत्यंत मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा जाता है।
इसके साक्ष्य विशेषते हस्तिनापुर और अंतरजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जिसे जोरवे संस्कृति कहते हैं कि नेवासा, दायमाबाद, कोठे, चंदोली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण में स्थित घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हांडियाँ और तांबे की कुछ वस्तुएं रखी जाती थी। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणकालीन अवस्था में मानव कंकाल के साक्ष्य कुत्ते का कंकाल भी शवादान से प्राप्त हुआ। गर्तावास खड्डे वाला घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है, कहाँ की, जम्मू कश्मीर की। अलेक्जेंडर कनिंगम 1814 से 1893 इनका जीवन काल को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जानते हैं। 1861 में सेना से सेवानिवृत्त के बाद उन्होंने भारतीय पुरातत्व संरक्षण का पहला महानिदेशक नियुक्त भी किया गया। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तकारी एक संगठन है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, यहाँ से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी भाग दो में। इसमें हम देखेंगे सैंधव सभ्यता के लिए साधारण जो प्रयोग होता है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जो भी है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट देखते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि ये नोट्स आपको रीड आउट करने हैं तो जाइए हमारी वेबसाइट www.studyforcivilservices.com पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, जिसपे क्लिक करके आप कभी भी कहीं भी इसे आसानी से रीड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल, जिसपे समय समय पर इंफॉर्मेशंस, नोटिफिकेशंस ज्ञान सर के द्वारा दी जाती हैं। तो वीडियो नोट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।